मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजर राज्यसभा चुनाव पर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी ओर से पूरी तैयारी में लगे हैं, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ओर से 3 नाम तय कर लिए गए। वही भारतीय जनता पार्टी ने 21 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। लेकिन आज इस खबर में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको काफी ज्यादा चौंका देगी। जी हाँ, आपने राजा भैया का नाम तो सुना ही है, लेकिन बताते चले कि राजा भैया अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिससे उनके ऐलान से सपा में और भाजपा में और बाकी पार्टियों में बहुत बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, वो आगे आपको बताते हैं कि उनका फैसला क्या हो सकता है। इनमें से 8 लोग जो फाइनल हुए हैं, उनमें फाइनल मोहर लग गई है। यूपी में 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वे विधानसभा में संख्या बल के आधार पर SP 3 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करती दिख रही है। तो भाई बीजेपी को बिना किसी दिक्कत के 7 सीटों पर जीत मिल जाएगी। एक सीट पर चुनावी मुकाबला हो सकता है जिसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका काफी बड़ी हो सकती है। बताते चले कि राजा भैया बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे कि राजा भैया बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वैसे तो तस्वीरें आपने देखी होगी राजा भैया की योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन जहाँ राजा भैया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का साथ देने की बात करते हैं, तो इस खबर ने लोगों को चौंका के रख दिया है कि क्या सच में राजा भैया बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी लेटेस्ट जानकारी देते चले तो यहाँ पर अभी ही 12:49 का समय था वो जब हार्दिक पटेल ने यहाँ पर सदस्यता ली थी भाजपा में, और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का क्या ही हाल हो रखा है। अगर राजा भैया भी इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं तो देखने वाला होगा कि सपा का माहौल कैसा हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच अब शिवपाल यादव को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव जिस तरह से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, उससे सवाल उठने लगा कि क्या शिवपाल SP के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि अकेले शिवपाल यादव की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को कुछ खास फायदा तो नहीं होगा, लेकिन सियासी सफर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे शिवपाल यादव के सामने असमंजस की स्थिति जरूर बन जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले ये भी अफवाह उड़ी थी कि आजम खान के खेमे के लोग अखिलेश से नाराज होकर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, मगर अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली को मैदान में उतार कर एक बड़ा दाव खेल दिया है। वही कपिल सिब्बल आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, तो वही जावेद अली मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जयंत चौधरी भी मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आजम खान के खेमे के लोग SP से अलग होकर वोट तो नहीं करेंगे और खासकर बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी खबरों से कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं कि जिस तरीके से यूपी का माहौल बना हुआ है वो काफी ज्यादा गर्मा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आजम खान की, बात हो रही है शिवपाल सिंह यादव की, बात हो रही है राजा भैया की, और जो सबसे बड़ा धोखा अगर कोई पार्टी कोई दे सकती है या कोई शख्स दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी राजा भैया है। तो राजा भैया पे यहाँ निशाना साधते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। क्या फैसला होता है राजा भैया का, ये देखने लायक होगा। लेकिन अपनी राय जरूर रखिएगा इस चीज को लेकर कि क्या राजा भैया अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।